हिंदू धर्म में हर मास का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु को समर्पित कार्तिक महीने का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस माह में कई बड़े और प्रमुख त्योहार पड़ते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में करवा चौथ, अहोई अष्टमी, रमा एकादशी, धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दिवाली जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। वहीं कार्मिक मास के शुक्ल पक्ष में गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ पूजा, देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह आदि पर्व पड़ते हैं। कार्मिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, आभूषण और झाड़ू जैसी चीजों की खरीदारी की जाती है। इसके अलावा तांबे और कांसे के बर्तन भी इस दिन खरीदे जाते हैं। अगर आप भी धनतेरस के दिन खरीदारी करने की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर इस दिन खरीदारी का शुभ मुहूर्त जानना चाहते होंगे। लेकिन अगर आप अशुभ समय या राहुकाल में खरीदारी करते हैं तो इससे गलत असर पड़ सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि धनतेरस के दिन आपको किस शुभ मुहूर्त में खरीदारी करनी है और किस समय में खरीदारी करने से बचना है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 से शुरू होगी और 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर खत्म हो जाएगी। ऐसे में धनतेरस 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन प्रदोष काल शाम 5:38 से लेकर 8:13 तक है। इस दौरान माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जा सकती है। धनतेरस के दिन वृषभ काल शाम 6:31 से 8:27 तक रहेगा। वृषभ काल के समय में माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं होती है। धनतेरस के दिन खरीदारी करने का सबसे शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर को दोपहर 4:20 से लेकर शाम के 6:15 तक है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी धनतेरस के दिन राहु काल 29 अक्टूबर दोपहर 2:51 से लेकर 4:15 तक रहेगा। इस समय में भूलकर भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। राहु काल में खरीदारी करने से उसका शुभ फल नहीं प्राप्त होता है। इसके साथ ही गलत असर भी व्यक्ति पर पड़ता है। इसके अलावा गुलिख काल 29 अक्टूबर को दोपहर 12:05 से 1:28 तक है। धनतेरस के दिन भूलकर गुलिख और राहु काल के दौरान खरीदारी ना करें। अगर आप इस दौरान खरीदारी करते हैं तो इसका बुरा परिणाम जीवन पर पड़ सकता है।